दिल्ली से हैं श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। देखो हकीम साहब से बात करनी थी मैडम जी। जनाब आपका स्वागत है। जय हिंद। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद जय हिंद। बताइए क्या सवाल। मेरे को हकीम साहब, एक तो गोंदिया मंगाया था जी आपके यहाँ से। उसको जब मैं लेता हूँ तो वो मुँह में चिपकता है जी, एक तो इसका बताए मेरे को। और जैसे आपकी संस्था से एक दो दवाई चल रही है तो उसके लेने का ब्रेक कितना होना चाहिए? ठीक है, एक ये सवाल है जी। और एक पिताजी के बारे में पूछा था मैंने आपसे, दो तीन दिन पहले कॉल करी थी, आपसे बात हुई थी। तो 80 साल उनकी एज है, उनको मेन प्रॉब्लम तो कब्ज की है जी, और दूसरा बीपी रहता है जी, शरीर में कमजोरी है और मेमोरी वीक है। एक उसके बारे में पूछना था आपका। आपको कुछ फायदा शुरू हो गया? मैं वो गोंदिया तो ले रहा हूँ जी, लेकिन लेता हूँ ना तो वो जैसे मुँह में डालते ही इधर उधर चिपक जाता है जी, उसका लेने का तरीका थोड़ा बता दीजिए। हाँ, नहीं कितने दिन से ले रहे हैं, कुछ फायदा शुरू हुआ? अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है जी। अच्छा, फायदा तो है मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ देखिए, गोंद को लेने का तरीके कई हो सकते हैं। मलाई में मिला लें, थोड़ी देर छोड़ दें तो ये मलाई को पी लेता है आधा घंटे के अंदर, या इसको पानी में मिला दें, ज़रा से पानी में, एक चम्मच पानी में, आधा चम्मच पानी में डाल के छोड़ दें तो ये पानी को पी लेगा। और आप जब इसे खाएंगे तो फिर मुंह में नहीं चिपकेगा, बल्कि पानी के साथ आप ले सकते हैं, शहद में मिला के ले सकते हैं, कड़वा तो होता है ये। और अभी शुरुआत हुई है, जिस तरह से आप, इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं और खाली कैप्सूल मिलते हैं उसमें भर के ले सकते हैं। तरीका वो जो आपको आसानी से हो जाए, इस तरह लेना शुरू करें। अभी फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए। और पिताजी का ऐसी ख्याल रखिए, देखिए बहुत कीमती हैं दुनिया में माँ बाप, जिनके भी जिंदा हैं वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं। और पिताजी के लिए कोई नुस्खा अगर आपने नहीं लिया है तो उनके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, नमक जैतून असली लें और 2 गिलास पानी में मिला दें, मिक्स हो जाता है आसानी से, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। ये पानी उन्हें पिलाना है। और अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी तो आप जानते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच ये दोनों का पाउडर खाएं और ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार, बस आपके पिताजी भी स्वस्थ हो सकते हैं जी। दिल्ली से हैं मनोरमा जी, स्वागत है आपका। हेलो सर जी, मुझे अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम बतानी है। जी, उन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उन्हें पूरे शरीर में पेन रहता है। ठीक है, उम्र बता दीजिए। उम्र उनकी होगी 42। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि 40 साल की उम्र जो है, यहाँ से ये सब बीमारियाँ आना शुरू होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर बढ़ता है, ये कोई बीमारी नहीं है। 40 साल के बाद हम सबका, आपका भी मेरा भी हर किसी का कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर बढ़ता है, इसको पतला रखना चाहिए। और फिर ये ब्लड प्रेशर कर देता है, फिर ये हार्ट ब्लॉकेज कर देता है, फिर ये ब्रेन का कोई अटैक आएगा या दिल का कोई मर्ज आता है। तो 40 साल से शुरू करना चाहिए एक नुस्खा, बल्कि आपके हस्बैंड को 2 नुस्खों की ज़रूरत है। ये कलौंजी का सिरका लें, 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार दिया करें।
तो ये डायबिटीज नहीं होने देता, हो तो कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये रोकता है, ज़रूरत जितनी है इतना रोकता है, बाकी को निकाल देता है। हार्ट हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए बड़ा मुफीद है, और ब्रेन हेमरेज नहीं होने देता, और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में एक बार या दो बार दिया करें, और 6-7 महीने लगातार दें। अगर आपको ये चाहिए कि वो पूरे अच्छे हो जाए, उनकी दवाएं भी दें, लेकिन ये ज़रूर दें। फिर ये जो दर्द है उनके, उसके लिए आप गौन स्याह ख़रीदें, और आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद खाएं। असली गौन स्याह अगर मिल गया तो उनको इस रोग में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कोटा राजस्थान से हैं जहूर जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है मेरे को? जी जी जी। हाँ हकीम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम जहूर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आपकी दुआ है, मतलब आपका करम है, आपके नुक्ते पर जी रहे हैं, मतलब सबको दे रहे हैं, फायदा हो रहा है सर। सब बोलते हैं कि हमारी तरफ से भी मतलब हकीम साहब को सलाम के ना। वालेकुम सलाम, सलामत रहे, उनको भी मेरा सलाम बोलिए जी। शैलजा जी, मेरा एक आध सवाल लिख लेना, मतलब मैं ही पूछ रहा हूँ, जैसे अपन अगर जैतून के जो सिरके में अपन शक्कर डालते हैं, जो मतलब वो क्या क्या काम करती है? दूसरा बात ये है कि मतलब मैं दवाई लेने गया था आई हुई थी दुकान पे, तो मतलब वहाँ क्या है, दो जने मतलब गोन सिया मांग रहे थे उनसे, जो मैंने उनसे बोला, मैंने कह रहा आपको कौन ने बताया कि वो टीवी पे देखा मैंने हकीम साहब से, जो उन्होंने क्या है 100-100 रुपए का 100-100 ग्राम दिया, मैंने उनको बोला मैंने की नकली मतलब काम नहीं आएगा, मतलब आपको मंगाना हो तो हकीम साहब को मैंने आपके नंबर दिए, फिर उनको मैंने कहा इस नंबर पे मंगाओ, मतलब 1500-1600 रुपए का 100 ग्राम आएगा, मैंने वो फायदा करेगा। कोई क्या है मतलब थोड़ा आदमी बोल दिया करो भाई कि मतलब आप जैसे हमारे यहाँ से मंगा सकते हो, अब क्या मतलब सब परेशान होते हैं, मतलब वो लेने चले गए वहाँ पर, उनको 100-100 रुपए में 100-100 ग्राम मिल रहा हो। हाँ ये जरूर भाई, बहुत बहुत परेशानी है कि लोग मना नहीं करते, बल्कि कुछ भी काला सा मिलता है उठा के दे देते हैं। ये बेईमानी बहुत चल रही है। बहुत अच्छा किया आपने, दो लोगों को नकली लेने से बचा लिया। देखिए गौन स्याह की पहचान भी बताता हूँ, पहले आप अपना सवाल पूरा कर लें तब मैं जवाब दूंगा। सवाल ये है कि जैसे एक के मतलब मैंने अभी 2-3 महीने पहले फोन करा था ना, कि मतलब उसके कुल्ले में ऑपरेशन लिखा था उसने, तो कुल्ले में मतलब उसको बहुत आराम है, मगर उसके क्या मतलब दर्द फर्क है, मतलब घुटनों में आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने ये बोला मैंने भाई सवार करो, मैंने घुटने में भी मतलब मिल जाएगा। सही कहा आपने। और क्या सवाल? यही टाइम होने वाला फिर। ठीक है जहूर भाई, बहुत समझदार इंसान है जहूर भाई, और बहुत खिदमत करते हैं आप, सलामत रहिए, और सबको मेरा सलाम बोलिए अपने मुतालिकीन को। हाँ देखिए गौन स्याह नकली बहुत मिल रहा है, और ये बहुत सस्ता दे देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं, वो तो आप 10 किलो भी खा लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। गौन स्याह असली मिलना ज़रूरी है, और वो 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, 1 ग्राम रोज़ाना की खुराक है, आधा आधा ग्राम दो हिस्सों में खाते हैं। और देखिए उसको जो मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, उनका कूल्हे का दर्द निकल के टांग में आ गया है, यही निशानी है कि मुकम्मल अच्छे हो सकते हैं। बस वही 2-3 बातों का ख्याल रखें कि बैठे नहीं ज़मीन में, वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, वज़न नहीं उठाएं, और उकड़ू ना बैठें, और लगातार जितना भी खाना पड़े कई महीने इस्तेमाल करें गौन स्याह। वो ऑपरेशन से बच चुके हैं और वहाँ से बीमारी चल दी अपनी जगह से, और सब्र करें, ऊपर वाले से मदद मांगें तो मुकम्मल ठीक हो सकते हैं जी।
और जहूर जी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे कॉलर्स से जब देखते हैं कि लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, आप लोग बचा लेते हैं कि ये तो नकली है, आप इसे मत खरीदिए, ये रॉ मटेरियल आपको नुकसान भी दे सकता है। इसी तरीके से सर, अगर आपको कोई और भी ऐसा पेशेंट मिलता है जो कहीं आसपास से कोई रॉ मटेरियल ख़रीद लेता है या सिरका ख़रीद लेता है या नमक ख़रीद लेता है जो कि नकली है, तो आप ऐसे ही लोगों को पहचान कराते रहिएगा। सर, हम अपनी तरफ से लगातार दर्शकों यही कोशिश करते हैं कि आप लोग पहचान कर लीजिए जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सिरका हो, चाहे वो नमक हो, जिनसे नुस्खे बनते हैं। बहुत तेज ये नुस्खे होते हैं जो आपके किसी भी रोग को जड़ से खत्म करते हैं। पहचान करने के लिए आपकी सुविधा के लिए अब YouTube चैनल पे आप हकीम साहब के जुड़ सकते हैं। YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो भी पता करना चाहते हैं यानी कि पहचान करना चाहते हैं कैसा होता है, कैसा दिखता है, स्वाद कैसा होता है, ये सारी जानकारी आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं हमारे साथ, गुलाम नबी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए जल्दी से। मेरा सवाल है, मैंने गोंद सफेद मंगवाया था जी, और सिरका जी कर, उसे कुछ फर्क नहीं होता। कितना वक्त हो गया लेते हुए? 3 दिन। हेलो। 3 दिन जोर भाई, बहुत कम वक्त है, 5-7 दिन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा फायदा लगेगा। 3 दिन की वो मत करिए, कम से कम 100 दिन खाइए या उससे ज़्यादा, 5-7 दिन के बाद फायदा शुरू होगा। वक्त बहुत कम है इसलिए आपको मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ, ऊपर वाले से मदद मांगें और लगातार खाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ज़मीन में ना बैठें, वज़न नहीं उठाएं और ऊपर वाले से मदद मांगना ज़रूरी है। इतनी जल्दी फ़ायदे की उम्मीद ना रखें, 3 महीने में फ़ायदे की उम्मीद रखें, 3-4 महीने में जी। यूपी से हैं मलीना जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब पहले एक बार और भी मिलाए थे तो पता ना हमारे नसीब खराब थे, शायद लाइन कट गया यहाँ से, पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब आज फिर मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, और आपसे और मैडम से बात करने से और खुश लग रहे मुझे। हाँ तो डॉक्टर साहब एक बात है, ये जो दर्द तो है, मैं काला गोंद तो ले रही हूँ मगर एड़ी में दर्द हो रहा है, इसकी क्या करूँ? कितने दिन से ले रहे हैं? हाँ, कितना फायदा है और कितने दिन से ले रहे हैं? डॉक्टर साहब वो जो घुटने में दर्द थी वो तो कम हो गया, पीछे की तरफ कुछ जो नाक है वो भी मोड़ नहीं रहे तो वो भी ठीक है, मगर ये जो एड़ी की दर्द जो है आज 1 हफ्ते से हो गया, कम नहीं हो पा रही है। हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे 2-3 सवाल और भी है। बताइए। हाँ, मेरे हस्बैंड है वो, उनकी उम्र है 58, तो उनकी खांसी जो है होम्योपैथी से हो गए, कभी एलोपैथी खांसी नहीं जा रही है मगर कुछ निकालती नहीं है, खुशक खांसी है मगर अंदर जैसे जैसे चूल पड़ती है, तो इसके लिए क्या करूं डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, गोंद सियाह तो आप छोड़े नहीं, और ये जो एड़ी में बचा है दर्द आपके, ये भी उसी से जाएगा और ये उसी का अंश है जो आपके नसों में खिंचाव था, घुटनों में दर्द था, ये उसी का अंश बाकी रह गया है। यानी अब 80-90% अच्छी हो गई हैं, 10% रह गया है। अगर आप गलती कर रहे हैं, कोई जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया है वो कर रहे हैं, तो ये दर्द नहीं रहेगा, और अगर उससे आप बाज आ जाएं तो ये दर्द भी जाना चाहिए। देखिए, मेरी दो तीन अनुरोध होते हैं आपसे, इलाज के दौरान वज़न न उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, और झाड़ू पोछा भी ना करें, जो ज़मीन में बैठ के काम करते हैं ना, झाड़ू पोछा जैसे, ये भी ना करें, ये मेरे आपसे अनुरोध है, नहीं तो ये बहुत दिन लगेंगे जाने में। अगर आप ये करते हैं तो ये छोड़ दें, गौन से और खाएँ, 10-20% रह गया है, बस वज़न ना उठाएँ और भगवान से मदद मांगें। और आपके पति के लिए बता देता हूँ, आपको तो यही नुस्खा फ़ायदा करना चाहिए पूरी तरह।
इनके पति का खांसी खांसी है। देखिए एक आता है सपिस्तान, दवा का नाम है सपिस्तान, एक आता है उन्नाब, ये भी एक दवा का नाम है, और एक अलसी आती है, अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये 100-100 ग्राम खरीद लें, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम खरीदना क्या मुश्किल है, उन्नाब की गुठली निकाल दें और 30 ग्राम आपके किचन के गरम मसालों में पीपला मूल होती है, पीपला मूल या पीपले कहते हैं, लंबी लंबी होती है 1.25 इंच की, जैसे शहतूत होता है ना ऐसी होती है, लेकिन वो सूखी भी होती है, ये एक तरह का गरम मसाला है, 30 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बना लें, ठीक है। इस पाउडर को सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट खिला दें 1 चम्मच, और गरम पानी या चाय पिला दें, ये दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, एक रात को भी सोते वक्त खुराक दें, आपके पति का भी अच्छा होना मुमकिन है जी।